सो so, मैंने पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करके इन टॉपिक्स को आपके लिए सिलेक्ट किया है ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन फ्रीकवेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें सो दैट यू कैन स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम राइट सो दिस टॉपिक इज द फिफ्थ टॉपिक इन आर सीरीज एंड टॉपिक आपने थर्मलेन में पढ़ ही लिया हुआ कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं सो द टॉप ऑफ स्टडी इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देन सेंट्रल इमिट थे हम इन तीनों ही टॉपिक्स को आज इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे दीज टॉपिक्स कम फ्रॉम फिफ्थ यूनिट ऑफ पेपर टू कॉमर्स दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स राइट सो ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं And since these three are interrelated to each other, that is why I have included all these three topics in this particular video. Fine. So main मैं तीनों को ही इस वीडियो में डिस्कस करूँगी एक्सप्लेन करूँगी try karungi ki कि आपको समझ आ जाए ये सारे टॉपिक्स इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए as well as आपकी जो वीडियो है ये लास्ट मिनट एग्जाम यू uh, नो you know, लास्ट मिनट रिवीजन में भी आपकी ये वीडियो हेल्प करेगी जहाँ पर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं फाइन ओके okay, सो so आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं हमारे लर्निंग गोल्स क्या क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देन विल स्टडी सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो कि इसी से रिलेटेड है आफ्टर दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही कंसेप्ट निकल कर आया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का दैन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड एर ऑफ मीन इसका पर्पज़ क्या है दैन स्टैंडर्ड एयर ऑफ़ मीन और सैम्पल साइज में क्या रिलेशनशिप uh, होता है वो स्टडी करेंगे आफ्टर दैट विल फाइंड आउट वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डिएशन एंड स्टैंडर्ड एयर ऑफ मीन बिकॉज जब स्टूडेंट स्टैंडर्ड एर ऑफ मीन को यू नो स्टडी करते हैं

वॉट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एर ऑफ मीन बिकॉज फॉर्मूला भी एग्जाम में आते हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप फार्मूलाज को भी यू नो लर्न करें सो हम यहाँ पर फॉर्मूला भी लास्ट में डिस्कस करेंगे सो इन सभी टॉपिक्स को लेकर मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम मैंने दे दिया है सो आप वहाँ से जाकर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली जम्प कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी ऑफ द दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स फ़ाइन बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन सभी टॉपिक्स को कंटिन्यूटी में ही स्टडी करें बिकॉज सारे ही आपस में इंटर रिलेटेड हैं एंड मैंने सबको सीक्वेंस में ही यू नो समझाने की कोशिश करूँगी मैं आपको तो आपके लिए बेटर रहेगा इफ़ यू वॉच दिस वीडियो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फाइन बट सेंस क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टू गिवन है तो आप वहाँ से जाकर भी डायरेक्टली किसी टॉपिक को जाकर स्टडी कर सकते हैं सो बिफोर मूविंग फर्दर दिस इज़ समथिंग अबाउट मी विच यू कैन जस्ट रीड आउट

फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक अपटेन फ्राम अ लास्ट नंबर ऑफ सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन ना देखो यहाँ पर मैं आपको ट्राई करूंगी कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ सिंपल टर्म्स में इन सभी का क्या मीनिंग है बट स्टिल यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू लर्न द टर्मिनोलॉजी एज वेल बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में एंड रिसर्च में टर्मिनोलॉजी पता होनी ज़रूरी है एंड एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी की नॉलेज होनी जरूरी है अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन राइट बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते मोल्डेड फॉर्म में आते हैं तो इसलिए आपको टर्मिनोलॉजी भी पता होनी जरूरी है ठीक है ओके okay, तो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं किसकी स्टैटिस्टिक की अभी स्टैटिस्टिक क्या होता है देखो स्टैटिस्टिक की आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है ये स्टैटिस्टिक कहाँ से ऑप्टेन होगा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन नाउ आपको पता है जब रिसर्च करते हैं रिसर्च में हमारी एक पॉपुलेशन होती है जिसे स्टडी करना होता है उसको स्टडी करने के लिए हम उसमें से सैम्पल्स ड्रॉ करते हैं ठीक है सैम्पल्स क्या होते हैं वो उसी का एक सबसेट होता है सपोज आपने स्कूल के किसी यू uh, नो you know, आपने किसी स्कूल के ऊपर स्टडी करनी है ठीक है एंड उसमें जो आपके जो इलेवंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं आपको उनको लेके स्टडी करनी है नाउ यहाँ पर आपके सपोज वन थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं ठीक है दोनों स्टैंडर्ड को मिलाकर तो नाउ अब अब आप, आपको जो भी स्टडी करनी है इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर यू कि आप सभी के सभी वन थाउजेंड स्टूडेंट्स को यू uh, you know, नो उन, उनको स्टडी करें उन, उनके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करें तो आप क्या करोगे आप कुछ ही स्टूडेंट्स को लेकर स्टडी uh, करोगे सपोज यू सिलेक्ट टू फिफ्टी आउट ऑफ वन थाउजेंड सो ये जो टू फिफ्टी है दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन थाउजेंड वन थाउजेंड क्या है पॉपुलेशन टू फिफ्टी इज सबसेट ऑफ दिस पॉपुलेशन विच इज़ कॉल्ड सैम्पल तो आप इसको लेकर स्टडी करोगे एंड जो भी रिजल्ट यहाँ से आप निकालोगे यू विल अप्लाई टू द होल पॉपुलेशन राइट फाइन अगर आपने सपोज इनकी परफॉर्मेंस को लेकर कुछ स्टडी करनी है तो टू फिफ्टी स्टूडेंट्स की जो भी परफॉर्मेंस का आपके पास रिजल्ट आएगा यू विल अप्लाई की वन थाउजेंड स्टूडेंट्स की सबकी परफॉर्मेंस इस तरह से है ठीक है एवरेज परफॉर्मेंस सपोज आपने फाइंड आउट करनी है तो सो दिस इज़ द बेसिक सो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग ऑफ रिसर्च रिसर्च में हम ऐसे करते हैं नाउ यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जब आपकी कोई भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन है एंड उसमें से आप काफ़ी सारे सैम्पल्स ड्रॉ करते हो एंड उन सैंपल्स का जब आप स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करते हो ना वट इज स्टेटिस्टिक स्टैटिस्टिक इज़ एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इट कैन बी मीन इट कैन बी मीडियन इट कैन बी स्टैंडर्ड एविएशन ठीक है जितनी भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन आपने पढ़ी हैं अगर आप उन सैम्पल्स के ऊपर ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस अप्लाई करते हो एंड उनका प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप जब बनाते हो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइन सो दिस इज़ अ व वेरी बेसिक मीनिंग तो हम इन सभी को आगे जो भी हम स्टडी करेंगे पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं इन सभी को स्टडी करने से पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके बाद हम इनको स्टडी करेंगे सो दैट इट विल बिकम इवन मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वट ऑल दीज टर्म्स मीन एंड वट ऑल दीज पैराग्राफ्स एंड लाइन्स मीन ठीक है ओके सो सपोज आपके पास पॉपुलेशन है पॉपुलेशन ऑफ बॉल्स कितनी वन टू थ्री ठीक है ये बॉल्स आपके पास पॉपुलेशन है उसमें से आपने सैम्पल ड्रॉ करना है साइज टू का साइज टू मीन्स आपको टू Uh, उसमें से आइटम्स को पिक करना है ठीक है तो एन यहाँ पर क्या है टू एन स्टैंड फॉर सैंपल साइज नाउ अब यहाँ पर आप uh, इस पॉपुलेशन में से कितने सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हो विद सैंपल साइज टू तो यहाँ पर uh, आप सपोज एक बार आपने वन सिलेक्ट किया देन टू सिलेक्ट किया ठीक है नेक्स्ट टाइम अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो आप क्या सिलेक्ट करोगे सपोज क्योंकि हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं ठीक है रैंडमली ही आप सैंपल्स पिक करोगे सपोज नेक्स्ट टाइम आपने टू पिक किया एंड थ्री दिस इज द रैंडम आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो रैंडमली पिक कर रहे हो तो ऐसे करते करते आप कितने सैंपल्स इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से ड्रा कर सकते हो ठीक है नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स आपको यहाँ पर देखने हैं कि आप कितने सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हो अब यहाँ पर जो सैंपलिंग करोगे दैट इज़ विद रिप्लेसमेंट नाउ विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने एक बार आपने सपोज वन uh, या फिर टू सिलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप उनको फिर से सिलेक्ट कर सकते हो एक बार उनको सिलेक्ट करने के बाद इन डजेंट मीन कि वो पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है ठीक है तो आप विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप उसको फिर से सिलेक्ट कर सकते हो सो so, अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपके पास गिवन ये पॉपुलेशन है ठीक है एंड यहाँ पर आपको सैम्पल साइज टू गिवन है सब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको सैम्पल साइज टू लेना है नाउ पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज़ टू इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट अब कितने पॉसिबल सैंपल्स आपके बनेंगे जब आपकी पॉपुलेशन ये होगी एंड सैंपल साइज टू होगा सो so, देखो दीज आर द पॉसिबल सैंपल्स ठीक है विद रिप्लेसमेंट एक बार आपने वन सिलेक्ट किया तो सेकेंड टाइम वन ये आ सकता है सेकेंड आपने एक बार वन सिलेक्ट हुआ तो टू भी आ, आ सकता है एज अ सैंपल ठीक है थर्ड टाइम जब आपने सिलेक्ट किया आप सैंपल्स पिक कर रहे हो जिसका साइज टू है तो थर्ड टाइम जब आपने दो सैंपल लिए तो एक बार आपका वन आया एक बार आपका थ्री आया नेक्स्ट टाइम आपने देखा टू वन देन उसके बाद टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री सो ये सारे क्या है पॉसिबल पिक्स विद रिप्लेसमेंट ये आपके पॉसिबल सैंपल्स हैं दिस इज सैंपल नंबर वन दिस इज सैंपल नंबर टू सैंपल नंबर थ्री एंड ईच टाइम योर सैंपल साइज इज़ टू ठीक है तो ये सारे क्या है पॉसिबल सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट ऑफ साइज़ टू आपका जो साइज़ है दैट इज़ एन इज इक्वल टू टू अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आप क्या करोगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हम सैम्पल्स को ड्रॉ करते हैं देन उनका फिर हम एक स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करते हैं नाउ स्टैटिस्टिक कैन बी एनी कैलकुलेशन मीन मीडियम स्टैंडर्ड एविएशन तो हम यहाँ पर सपोज हम मीन को लेकर चलते हैं कि हम मीन फाइंड आउट करेंगे अब देखो यहाँ पर आपने सभी सैम्पल्स ले लिए ठीक है अब आप हर सैंपल ग्रुप का यहाँ पर आप इस, इस पूरे को आप एक एक सैंपल मानोगे ठीक है दिस इज सेकेंड सैंपल दिस इज थर्ड सैंपल राइट सेट ऑफ द सैंपल्स आपने वन और वन सेलेक्ट किया ये सिंगल में भी सैंपल है बट इनका जो सेट है मीन्स आपको टू साइज का सैंपल लेना है तो इनका जो सेट है दिस इज योर फर्स्ट सैंपल ग्रुप दिस इज योर सेकेंड सैंपल ग्रुप दिस इज योर थर्ड सैंपल ग्रुप फाइन अब आपको इन सैम्पल ग्रुप्स का क्या फाइंड आउट करना है कोई स्टैटिस्टिक हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि हम मीन फाइंड आउट करेंगे ठीक है अब सपोज आपके पास जो फर्स्ट सैम्पल ग्रुप है इसका आपको मीन फाइंड आउट करना है सो so आप कैसे करोगे नो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा वन प्लस वन टू डिडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो भी क्या है टू ठीक है दो ही यहाँ पर आइटम्स हैं तो सैम्पल मीन क्या आ जाएगा वन सेकेंड इज टू प्लस वन थ्री थ्री डिवाइडेड बाई टू दैट इज वन पॉइंट फाइव सो आप ऐसे करते करते हर एक सैम्पल ग्रुप का क्या फाइंड आउट कर लोगे स्टैटिस्टिक एंड हमारे एग्जाम्पल में वो स्टैटिस्टिक क्या है मीन तो आपने सैम्पल मीन्स फाइंड आउट कर लिए फाइन अब इन सैंपल मीन्स की आप देखो प्रॉबिलिटी क्या है मीन्स सपोज कि सैम्पल मीन टू अगर आपकी पॉपुलेशन ये है और सैम्पल साइज आप टू रखते हो उस केस में सैम्पल मीन टू आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ठीक है अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स तो टू सैम्पल मीन आए ये सम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं टू कितनी बार आ रहा है वन टू एंड थ्री इट मीन्स जब आप सैम्पल्स को पिक करोगे साइज टू को लेकर विद रिप्लेसमेंट तो आप देख रहे हो कि आपका सैम्पल मीन जो है टू वो तीन बार आ रहा है राइट तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है थ्री एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं दीज आर नाइन तो ये क्या हो गया थ्री बाय नाइन ये क्या होगी प्रॉबिलिटी फाइन तो आपने किसकी प्रॉबिलिटी फाइंड आउट की सैंपल मीन्स की, की. ठीक है तो यहाँ पर आपने देखा कि सैंपल मीन टू के आने की कितनी प्रॉबिलिटी है कितने चांसेस हैं जब आपका पॉपुलेशन ये रहती है एंड सैंपल साइज टू होता है और आप सैम्पलिंग करते हो विद रिप्लेसमेंट तो उस केस में प्रॉबीबलिटी सैंपल मीन टू के आने की कितनी प्रॉबीबलिटी है दैट इज थ्री बाय नाइन अब आपने प्रॉबिलिटीज़ भी फाइंड आउट कर ली ठीक है सबकी ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे वन की वन की टू की हम कर चुके हैं देन टू एंड देन थ्री ठीक है इसके बाद हम जब इन प्रोबेबिलिटीज को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे एंड वी विल गेट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसे हम कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहेंगे बिकॉज हमने जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की हैं वो किसकी हैं वो सैम्पल मीन्स की हैं ठीक है यहाँ पर अगर आप कोई और स्टैटिस्टिक लेते सपोज आप मीडियन फाइंड आउट कर रहे हो या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हो तो आप उसको बोलते सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन या फिर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स या फिर सैंपल मीन्स क्लियर तो यहाँ पर क्या है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इट इज चूजिंग ऑल द पॉसिबल सैंपल्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन जितने भी पॉसिबल सैंपल्स बनते हैं सेम पॉपुलेशन से उनको चूज करना एंड देन प्लॉटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मीन वैल्यूज ऑन अ ग्राफ उनकी जितनी भी मीन वैल्यूज हमने फाइंड आउट की जो कि ये सारी थी ठीक है उनकी प्रोबेबिलिटी को ग्राफ पे प्लॉट करना यू विल गेट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइन आई होप दिस इज क्लियर सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा बनेगा देखो यहाँ पर जो एक्स एक्सेस पे होता है वो हमारा सैम्पल मीन्स होंगे ठीक है वन देन वन पॉइंट फाइव दैन टू देन टू पॉइंट फाइव एंड देन थ्री फाइन एंड यहाँ पर आप y एक्सेस पे क्या लोगे प्रोबेबिलिटीज अब हमने प्रोबेबिलिटी कितनी फाइंड आउट की थी सैम्पल मीन टू की हमने फाइंड आउट की थी थ्री बाय नाइन सो हम यहाँ पर ले लेंगे वन बाय नाइन देन वी हैव टू बाई नाइन देन वी हैव थ्री बाई नाइन सो हम सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लॉट कर देंगे अगर वन सैम्पल मीन है तो वन सैम्पल मीन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है अब देखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स वन कितनी बार आ रहा है ओनली वन टाइम तो वन आउट ऑफ टोटल दैट इज़ नाइन तो वन बाय नाइन आ जाएगी प्रॉबीबिलिटी ठीक है वन पॉइंट फाइव की कितनी आएगी इसकी आ जाएगी टू बाई नाइन बिकॉज वन पॉइंट फाइव सैम्पल मीन कितनी बार आ रहा है ओनली टू टाइम्स आउट ऑफ टोटल दैट इज़ नाइन तो टू बाय नाइन यहाँ पर आ जाएगा देन टू की हमने फाइंड आउट की थी थ्री बाय नाइन देन टू पॉइंट फाइव की अगेन यहाँ पर टू है और टू बाय नाइन एंड थ्री की आ जाएगी सिर्फ एक ही बार है तो इसकी आ जाएगी वन बाय नाइन सो ये जो आपने जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बना दिस इज दैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज यहां पर आपने सैम्पलिंग के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको प्लॉट किया है स्टैटिस्टिक मीन आपने यहाँ जो मीन फाइंड आउट किए हैं इनकी प्रॉबिलिटी यहां पर प्लॉट किया है सो so, ये क्या है देखो वेन वी टेक अ रैंडम सैंपल विद रिप्लेसमेंट ऑफ टू बोल्स वी हैव अ टू नाइन्थ चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ है मीन टू पॉइंट फाइव तो मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया है कि अगर 2.5 की बात करें तो सैम्पल मीन आपका 2.5 पॉइंट आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 बाय नाइन मीन्स टू बाई नाइन्थ इसके चांस है कि आपका सैम्पल मीन 2.5 पॉइंट फाइव आए इन केस योर पॉपुलेशन इज दिस एंड योर सैम्पल साइज इज 2 एंड यू आर पिकिंग द सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट ठीक है विदाउट रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिप्लेसमेंट सो दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फाइन तो हमने क्या किया पॉपुलेशन ली उसमें से सैंपल्स ड्रॉ किए हमने सैंपल ग्रुप ड्रॉ करने हैं एक पर्टिकुलर आपने साइज ले लिया हमारा साइज़ यहाँ पर एग्जाम्पल में टू है हमने टू साइज को लेकर सैम्पलिंग की ग्रुप्स बनाए विद रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट मतलब एक अगर ऑप्शन एक अगर यूनिट आपने पहले सिलेक्ट कर ली तो नेक्स्ट टाइम भी सिलेक्ट हो सकती है उसके बाद हमने हर एक सैम्पल ग्रुप का स्टैटिस्टिक फाइंड आउट किया एग्जाम्पल में हमने मीन फाइंड आउट किया ठीक है अब मीन फाइंड आउट करने के बाद इन मीन्स की प्रोबेबिलिटी देखी कि कितनी चांसेस है एक पर्टिकुलर सैंपल मीन के आने के उन प्रोबेबिलिटीज़ को हमने यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट किया एंड जो हमें ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिला है दिस इज कॉल्ड एज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइन सो अब देखते हैं जो भी हमने वहां पर लिखा हुआ है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो क्या चीजें हैं अब आपको आई होप वहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा सो so, देखो क्या है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक ऑप्टेन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन केस ऑफ मीन वैल्यूज सपोज अगर आप सैम्पल का मेन फाइंड आउट करते हो वेन वी टेक आउट द पॉसिबल सैम्पल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड प्लॉट द प्रोबिलिटी ऑफ द मेन वैल्यूज ऑफ द सैम्पल्स ऑन अ ग्राफ और जब हम उसकी प्रोबिलिटी को प्लॉट करते हैं किसकी मेन वैल्यूज की सैम्पल्स के ठीक है वी गेट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया था तो आप उसको बोलोगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप मीडियन फाइंड आउट करते हो तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीडियन ठीक है नाउ इन अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल कर आती है यहां पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वेन सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट क्या प्रॉपर्टी है वो द मीन ऑफ ऑल द सैंपल मीन्स इक्वल्स द पॉपुलेशन मीन ठीक है अब यहां पर देखो यहाँ पर जितने भी आपने सैंपल मींस फाइंड आउट किए थे ये वाले सारे अगर आप इन सब का भी फर्दर मीन फाइंड आउट करते हो इन सब को जब आप एवरेज कर देते हो वन uh, अब यहां पर इन सब का एवरेज फाइंड आउट करते हो एवरेज मतलब मीन कैसे वन प्लस टू प्लस प्लस टू प्लस टू पॉइंट फाइव प्लस टू प्लस टू पॉइंट फाइव प्लस थ्री ठीक है एंड डिवाइडेड बाय नाइन ये आएगा आपका एटीन डिवाइडेड बाय नाइन दैट इज इक्वल टू थ्री ठीक है तो ये थ्री क्या है सॉरी टू ये टू क्या है आपका पॉपुलेशन मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये कि जब आप सारे जितने भी पॉसिबल सैम्पल्स हैं आपने सारे सिलेक्ट कर लिए देन उनका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया उस केस में जितने भी सैंपल मीन्स आपने फाइंड आउट किया अगर आप उनका फर्दर एवरेज निकालते हो वो आपके पॉपुलेशन के एवरेज के इक्वल होता है अब आपके देखो यहाँ पॉपुलेशन का एवरेज कितना है कितना आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है तो वन प्लस टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री कितना आ जाएगा ये टू अगेन टू तो देखो यहाँ पर भी सभी आपने सैंपल मीन्स का एवरेज लिया एंड देन पॉपुलेशन का एवरेज लिया यू विल गेट सेम रिजल्ट तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो जितने भी पॉसिबल सैंपल्स बनते हैं सबको सिलेक्ट कर लिया विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है उस केस में जितने भी सैंपल मीन्स हैं उनका अगर आप फर्दर मीन फाइंड आउट करते हो वो किसके इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन के सो दिस इज द इक्वेशन ठीक है यहाँ पर एक्स बार क्या है एक्स बार इज द सैंपल मीन्स और यहाँ पर जो आपका ये वाला साइन है दिस इज कॉल्ड म्यू और म्यू यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में म्यू किसको डिनोट किया जाता है पॉपुलेशन मीन को ठीक है पॉपुलेशन मीन इट मीन्स अगर आप सैंपल मीन्स का मीन फाइंड आउट करते हो इट इज इक्वल टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन ठीक है यहाँ पर आप इसको पॉपुलेशन मीन से यू नो मिस इंटरप्रेट मत करना ठीक है तो यहाँ पर अगर आप सैम्पल मीन्स का फर्दर मीन फाइंड आउट करते हो दैट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है स्टैंडर्ड एवियशन ऑफ सैम्पल मीन्स दैट इज दिस नाउ सैम्पल मीन्स का स्टैंडर्ड एविये इट विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविये डिडेड बाई स्केट ऑफ सैंपल साइज तो वो किसकेगा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविये डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ सैम्पल साइज यानी कि स्मॉल एन तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये दोनों रिजल्ट निकल कर आते हैं

दीज आर ऑन दोज आर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स ठीक है हम जब सैंपल्स ड्रा करके स्टैटिस्टिक्स स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन अप्प्लाई करते हैं लाइक मेन मीडियम स्टैंडर्ड एवियेन दट इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम यही कर रहे हैं हम सैंपल्स को ड्रा कर रहे हैं पॉपुलेशन से सो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स फाइन ओके नाउ द शेप ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नेसेसरि लाइक द बेल शेप अब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप ड्रॉ करोगे उसकी शेप जरूरी नहीं है एक बेल शेप आए ठीक है तो बेल शेप कैसी होती है बेल शेप इज लाइक दिस एंड इसे हम क्या कहते हैं नॉर्मल कर्व यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो नॉर्मल कर्व क्या होता है इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो सेपरेटली बनाई थी इफ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो सो आप वहां से अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल कर्व के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं फाइन तो बात हो रही है कि द शेप ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट नेसेसरी लाइक द बेल शेप तो ज़रूरी नहीं कि उसकी शेप आपकी बेल शेप की तरह हो मीन्स ज़रूरी नहीं कि आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ जस्ट लाइक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ नॉट नेसेसरी बट एज दैंपल साइज इनक्रीज द ग्राफ टेन टू वर्ड्स फॉर्मिंग और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बट अगर आप सैम्पल साइज को इनक्रीज करोगे तो आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा जो उसका ग्राफ बनेगा दैट विल टेन टू वर्ड्स फॉर्मिंग और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही जाएगा ठीक है जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमारा कुछ इस तरह से हमारा बन रहा था कर्व ठीक है इफ़ यू रिमेंबर दिस ठीक है इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट अगर आप सैंपल साइज को बढ़ा दोगे सपोज आपका सैम्पल साइज़ हमने क्या लिया था टू लिया था ठीक है एंड पॉपुलेशन में हमारे टोटल आइटम्स कितनी थी थ्री थी सपोज थ्री uh, थी जो हमने ली थी तो सपोज़ यहाँ पर आप चेंज कर दो सपोज आपकी पॉपुलेशन जो है वो टेन थी एंड आपने सैम्पल साइज टू लिया ठीक है तो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह इतना नहीं दिखेगा बट एज यू इंक्रीज़ योर सैम्पल साइज़ सपोज आप सैम्पल साइज़ को टू से इंक्रीज करके फाइव कर देते हो ठीक है आप फाइव के ग्रुप्स में सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो उस केस में आपका जो है सैम्प जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा जो ग्राफ बनेगा दैट विल लुक लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अप्रॉक्सीमेटली लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड फिर आप और भी ज़्यादा अगर इसको इंक्रीज करते जाओगे साइज़ को नेक्स्ट टाइम सिक्स को पिक करोगे या फिर सेवन को लोगे तो आपका वो बिल्कुल ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह जाएगा

तो या फिर वो नॉर्मल नहीं है बट आपका सैम्पल साइज़ इज़ फेयरली लार्ज फेयरली लार्ज का मतलब होता है कि वो इतना ज़्यादा है कि वो आपकी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रजेंट कर रहा है ठीक है इफ़ योर सैंपल साइज़ इज़ फेयरली लार्ज और स्टेटिस्टिक्स में रिसर्च में हम सैंपल साइज को लार्ज तब मानते हैं वेन द साइज इज ग्रेटर देन थर्टी ठीक है तो अगर आपका साइज़ थर्टी से ज़्यादा है

वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है अगर आप अपना सैंपल साइज फेयरली लार्ज रखते हो दैट इज ग्रेटर देन थर्टी ठीक है अगर पॉपुलेशन आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऑब्वियसली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही बनाएगा चाहे आपका सैंपल साइज कुछ भी हो इन दैट केस इट डजेंट मैटर वट इज योर सैंपल साइज बट अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही बनाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन बेल शेप कर्व ठीक है बट अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उस केस में भी आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना सकता है बट ओनली एंड ओनली वेन योर सैंपल साइज इज फेयरली लार्ज दैट इज ग्रेटर देन 30 फाइन सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट सेंट्रल लिमिट थ्योरम और सेंट्रल लिमिट थ्योरम में फिर यही बात भी होती है कि आपका जो सैम्पल मीन्स का मीन होगा दैट विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल मीन्स का जो स्टैंडर्ड एविये होगा दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्डिएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई रूट एन फाइन सो दिस इज क्लियर आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दैट वॉट इज सै डिस्ट्रीब्यूशन एंड वट इज सेंट्रल लिमिट थियोरम एंड जो आपने भी यहाँ पर ये यह फॉर्मूला पढ़ा दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय √10 यही इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन तो अभी इसको डिटेल में समझते हैं ये क्या चीज है फाइन सो ओके तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को समझने से पहले स्टैंडर्ड एरर क्या होता है वो देखते हैं ओके okay. द टर्म स्टैंडर्ड एरर इज़ यूज टू रेफर टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरियस सैम्पल स्टैटिस्टिक्स लाइक मीन और मीडियम तो जब भी हम स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं उसमें हम फाइंड आउट क्या करते हैं वी फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन किसका का सैम्पल स्टेटिस्टिक्स का तो पीछे हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमने सैम्पल स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट किए मतलब हमने सैम्पल का मीन फाइंड आउट किया हमने डिफरेंट सैम्पल ग्रुप्स लिए थे सभी का हमने मीन फाइंड आउट किया मीन क्या है स्टैटिस्टिक आप कुछ भी फाइंड आउट करो मीन फाइंड आउट करो मीडियन फाइंड आउट करो एनी थिंग एनी सैंपल स्टैटिस्टिक तो आप उनका जब स्टैंडर्ड एवियेन निकालते हो ना इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर क्लियर अगर आप मीन का फाइंड आउट कर रहे हो स्टैंडर्ड एवियेन तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अगर आप मीडियन का फाइंड आउट कर रहे हो तो इट विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन इन अदर वर्ड्स एरर ऑफ इट्स सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था हमारे सैंपल मीन्स थे उनके प्रोबेबिलिटी को ही तो हमने ग्राफ पे प्लॉट किया था राइट हमने सैंपल मीन्स जो हमने अलग अलग लिए थे सैंपल्स को सिलेक्ट करने के बाद उनका मीन फाइंड आउट किया था उनको जब हमने प्रॉबिलिटी उनकी ग्राफ पे प्लॉट की थी वो हमारा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो अगर आप इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एविएशन निकालते हो तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एविएशन निकालने का मतलब जितने भी सैम्पल मीन्स थे उनका स्टैंडर्ड एविएशन क्लियर तो आप उनका जब स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड आउट करते हो इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ठीक है तो अगर आपका स्टैटिस्टिक जो था सैंपल मीन है तो इट विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अगर आपने सैम्पल्स के मीन फाइंड आउट किया है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हो जाएगा अगर आपने मीडियन फाइंड आउट किया है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन हो जाएगा ठीक है नाउ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन रेफर्स टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द थियोरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका सैम्पल मीन्स का टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन वही जो मैंने अभी बताया अब स्टैंडर्ड एरर आपको बताता क्या है इट शोज द डेवियशन बिटवीन द सैम्पल स्टैटस्टिक एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर पहले तो स्टैटिस्टिक और पैरामीटर क्या होते ये समझते हैं देखो आपने जो मीन फाइंड आउट किया था अगर मीन आप सैंपल का फाइंड आउट करते हो उसे हम कहते हैं सैम्पल स्टैटस्टिक अगर वही मीन आप पॉपुलेशन का निकालते हो उसे कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर तो अगर कोई स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन पॉपुलेशन की होती है उसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं और अगर वही चीज़ सैंपल की होती है उसे हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं ठीक है तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए तो इन दोनों में कितना डेविएशन है यही बताता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन सो व्हेन द सैंपल मीन डेविएट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन दिस डेविएशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन तो हम इस डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए ही हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं ठीक है तो स्टैंडर्ड एरर समझ में आ गया स्टैंडर्ड एरर होता क्या है हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक्स का आपने मीन फाइंड आउट किया है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मीडियन फाइंड आउट किया है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है एंड अगर आप मीन फाइंड आउट करो तो इट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन तो ये आपको बताता है कि आपके सैम्पल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर में कितना ज्यादा डेविएशन है नाउ पर्पज क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कैलकुलेट करने का देखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी ऑफ सैम्पल मीन्स अराउंड द पॉपुलेशन मीन वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि यह आपका वेरिएशन बताता है ठीक है कि सैम्पल मीन्स और पॉपुलेशन मीन में कितना गैप है गैप कम ज़्यादा हो कितना हो कित कैसे है वो आपको बताएगा स्टैंडर्ड एर ऑफ मीन ठीक है इट इज़ यूज टू मेजर द एक्सटेंट टू विच द सैम्पल मीन्स वेरी फ्रॉम ईच अदर एंड द पॉपुलेशन मीन सैम्पल मीन्स में आपस में कितना गैप है कितना डिफरेंस है एंड पॉपुलेशन मीन के साथ कितना गैप है ठीक है नाउ इफ द सैंपल मीन्स आर क्लोजर टू द पॉपुलेशन मीन देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर वुड बी स्मॉल अगर आपका सैम्पल मीन्स जो आपने फाइंड आउट किया अगर आप उनका एवरेज फाइंड आउट करते हो अगर वो पॉपुलेशन मीन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है ठीक है तो आपका जो स्टैंडर्ड एरर है उसकी वैल्यू स्मॉल होगी ये आपको बता रहा है अगर स्टैंडर्ड एरर आपने फाइंड आउट किया तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो सैम्पल मीन्स है उनका मीन पॉपुलेशन मीन के बहुत नज़दीक है एंड योर रिजल्ट आर वेरी रिलायबल आपने सैम्पल्स बहुत अच्छे सही सिलेक्ट किए हैं ठीक है थीके? और अगर गैप ज़्यादा होगा इट मीन्स आपके स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू है वो लार्ज होगी ठीक है तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर द मोर रिप्रेजेंटेटिव द दैंपल विल बी तो जितनी ज़्यादा वैल्यू स्टैंडर्ड एरर की कम होगी उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका सैंपल तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं सैंपल का स्टैटिस्टिक पॉपुलेशन के पैरामीटर के क्लोज है या नहीं इस बात को इंश्योर करने के लिए वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ठीक है तो यहाँ पर हमें पता है कि उसकी वैल्यू कम होगी तो ही आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उस केस में हम इंश्योर करेंगे कि स्टैंडर्ड एरर की हमेशा वैल्यू कम आए है ना अब दिस इम्प्लायज स्टैंडर्ड एरर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सैम्पल साइज अब देखो आप ये तो आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा आपका सैम्पल साइज बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपका सैम्पल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा राइट right? अगर आपका हंड्रेड आपकी पॉपुलेशन है एक तरफ आप उसमें से ट्वेंटी सैम्पल सिलेक्ट करो मीन्स ट्वेंटी यूनिट्स को सिलेक्ट कर रहे हो एज योर सैंपल एक तरफ आप कर रहे हो एट्टी को तो कौन सा सैंपल आपके पॉपुलेशन को ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा ऑफ़ कोर्स जिसका साइज बड़ा है दैट इज सैंपल साइज ऑफ एट्टी तो ऐसे ही अगर आपका सैंपल साइज बड़ा होगा तो वो आपको ज्यादा आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा और जितना ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा इट मीन्स स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू वहाँ पे कम होगी राइट right? तो स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सैंपल साइज स्टैंडर्ड एरर अगर ज्यादा है तो इट मींस डेफिनेटली आपका सैंपल साइज कम हुआ है और अगर आपने सैम्पल साइज को ज्यादा रखा है इट मीन आपकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली कम ही आएगी तो स्टैंडर्ड एरर आपका कम आए इसलिए आप क्या कर सकते हो आप अपने रिजल्ट्स को रिलायबल लाने के लिए क्या कर सकते हो सैंपल साइज को बढ़ा सकते हो एंड फेयरली लार्ज करना है फेयरली लार्ज मीन्स आपको ग्रेटर देन थर्टी रखना है ठीक है नाउ इट फंक्शन एज अ वे टू डिटर्मिन द एक्यूरेसी ऑफ द सैंपल और द मल्टीपल सैंपल्स तो जो आपने सैंपल ड्रॉ किया मल्टीपल सैंपल ड्रॉ किए वो कितने एक्यूरेट हैं उनको डिटर्मिन करने के लिए यूज़ किया जाता है कैसे बाय एनालाइजिंग द डेविएशन विद इन द मीन्स तो डेविएशन कितना है सैम्पल मीन्स एंड पॉपुलेशन मीन में उनको एनालाइज करके हमें बताता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की आपका जो सैंपल है वो कितना रिप्रेजेंटेटिव है कितने आपके एक्यूरेट हैं सैम्पल्स फाइन आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड सैंपल्स साइज सो जैसे मैंने अभी बताया दोनों में क्या रिलेशन है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई अदर ठीक है द स्टैंडर्ड एर ऑफ मीन डिक्रीजेज एंड द सैंपल साइज इंक्रीजेज तो सैंपल साइज इंक्रीज करोगे आपका स्टैंडर्ड एर ऑफ मीन ऑटोमैटिकली डिक्रीज हो जाएगा दिस मीन्स लार्जर द सैंपल लेस विल बी द सैंपलिंग एरर्स तो जितना ज्यादा आपका सैंपल होगा उतने ही कम आपके सैम्पलिंग एरर्स होंगे एनहेंस द स्मॉल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड एर ऑफ द मीन ना हो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इफ द पॉपुलेशन इज फाइन नाइट अगर आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट है फाइनाइट मीन्स यू कैन काउंट इट सपोज आपने एक स्कूल uh, के हंड्रेड uh, स्टूडेंट्स के ऊपर आपने स्टडी करना है नाउ हंड्रेड इज काउंटेबल ठीक है दिस इज फाइनाइट द स्टैंडर्ड एर ऑफ द मीन विल टेन टू बिकम जीरो विद द इंक्रीजिंग सैम्पल साइज अब अगर पॉपुलेशन फाइनाइट होगी तो उस केस में अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाओगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिक्रीज होता जाएगा और वो इतना डिक्रीज होगा कि वो जीरो तक पहुँचने लगेगा इट विल टेन टू बिकम जीरो व्हाई बिकॉज द स्टैटिस्टिक विल अपॉच द एक्चुअल वैल्यू बिकॉज बिकॉज अल्टीमेटली देखो अगर आप सैंपल साइज इंक्रीज कर रहे हो और पॉपुलेशन आपकी फाइनाइट है तो सैंपल साइज इंक्रीज़ करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप पॉपुलेशन तक ही पहुँच जाओगे है ना और जब पॉपुलेशन तक ही आप पहुंच गए आपने पूरी पॉपुलेशन को ही स्टडी कर लिया तो उस केस में स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन तो जीरो ही हो जाएगा बिकॉज कोई डेविएशन ही नहीं होगा आपके सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में राइट right? अगर आपने हंड्रेड आपका पॉपुलेशन आपने सैंपल सिलेक्ट किया फोर्टी देन फिफ्टी देन सिक्सटी इंक्रीज करते करते यू विल रीच सपोज हंड्रेड आपने हंड्रेड ही एज अ सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो इसमें क्या होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या हो जाएगा आपका जीरो बिकॉज आपका पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन सेम हो जाएंगे उनमें कोई डेविएशन होगा ही नहीं तो ये कब होगा जब आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट होगी मीन्स जब आप सारी ही पॉपुलेशन को एज अ सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो जब आपकी पॉपुलेशन इनफाइनाइट है मीन्स आप यू नो अनकाउंटेबल तो उस केस में आप सारे ही सैंपल्स को सिलेक्ट सारी ही पॉपुलेशन को एज सैंपल सिलेक्ट नहीं कर सकते है ना तो उस केस में ये नहीं होगा इट विल ओनली बी इन द केस वन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट नाउ लार्ज सैम्पल साइज मीन्स स्मॉल स्टैंडर्ड एरर एंड स्मोल सैम्पल साइज मीन्स लार्ज स्टैंडर्ड एरर तो एरर को रिड्यूस करने के लिए जस्ट इंक्रीज योर सैम्पल साइज एंड यू विल गेट योर रिलायबल रिजल्ट फ्रॉम योर सैम्पल क्लियर ओके सो नेक्स्ट वी हैव नाउ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एवियेन एंड स्टैंडर्ड एर ऑफ मीन सो काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होती है तो देखो स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है देखो स्टैंडर्ड एवियशन आपका ये क्या है एक मेजर ऑफ सें डिस्पर्शन है है ना एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन है हमने अभी पढ़ा दोनों ही मेजर ऑफ डिस्पर्शन है डिस्पर्शन का मतलब वेरिएशन वो वेरिएशन बताते हैं डिफरेंस बताते हैं बट स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा डिफरेंस बताता है इट शोज द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन द आइटम्स विद इन अ पर्टिकुलर सैम्पल एक पर्टिकुलर सैंपल में जितने भी आइटम्स में आइटम्स हैं उनमें कितना वेरिएशन है वो बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज आपने टेन आइटम्स को सिलेक्ट किया अब उन टेन आइटम्स में कितना वेरिएशन है सपोज आपने मार्क्स सिलेक्ट किए एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं टेन सॉरी ट्वेंटी एक के मार्क्स हैं थर्टी एक के मार्क्स हैं फिफ्टीन एक के मार्क्स हैं थर्टी फाइव तो आप बताएंगे कि इन चारों में आपस में कितना वेरिएशन है ये बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एयर ऑफ मीन किस में वेरिएशन बताता है वो वेरिएशन बताता है बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन ठीक है कि पूरी पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट कर लो और एक सैंपल का मीन फाइंड आउट कर लो या सैंपल मीन का मीन फाइंड आउट कर लो उनमें कितना डिफरेंस है उनमें कितना डेविएशन है उनमें कितनी वेरिएशन है ठीक है, है वो बताता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक पर्टिकुलर सैंपल में ही आपका आइटम्स में कितना वेरिएशन है वो बताता है फाइन दोनों ही मेजर ऑफ डिस्पर्शन है दोनों ही मेजर ऑफ वेरिएशन है बट ये पर्टिकुलर सैंपल लेता है और यह सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन को कंसिडर करता है फाइन लास्टली वी सी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ नाउ यहाँ पर हम टू केसेस लेंगे फर्स्ट इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट जो कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं ठीक है उस केस में क्या होता है स्टैंडर्डिशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू स्टैंडर्डिशन ऑफ पॉपुलेशन बाई रूट एंड सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एर फाइन इसको अच्छे से याद रखना है आपको स्टैंडर्ड एर का यह फॉर्मूला होता है नेक्स्ट तो यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइविएन है वो किसका स्टैंडर्ड एवियेन है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एवियेसन और ये कब होगा वन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन इज नोन जब आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन पता होगा तो इस आप फॉर्मूला को यूज करोगे ना जब आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन नहीं पता तब आप क्या फार्मूला यूज करोगे यू विल यूज़ द सेम फार्मूला बस चेंज क्या हो जाएगा आपके न्यूमिनेटर में आ जाएगा एस डिवाइडेड बाय रूट एन ठीक है नाउ ये एस क्या है आपका सैम्पल का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन जब आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन नहीं पता जो कि जनरली नहीं पता होता बिकॉज पॉपुलेशन तो बहुत लार्ज होती है उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है तो ही तो सैम्पलिंग करते हैं है, है ना तो जब आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन नहीं पता इन दैट केस यू विल टेक द सैंपल स्टैंडर्डाइविएशन ठीक है तो फॉर्मूला बस यही डिफरेंस है कि न्यूमरेटर में आपका सैम्पल uh, का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन आ जाएगा फाइन नाउ इन केस ऑफ सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा अब विदाउट रिप्लेसमेंट में विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर आपने एक बार सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट टाइम उस सैंपल को आप दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते सपोज आपने स्टूडेंट ए को आपका सिलेक्ट हो गया वो एक बार सैंपल के अंदर तो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट ए आपका सैंपल में सिलेक्ट नहीं होगा ठीक है इसे बोलते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट तो इस केस में आपको यू uh, नो you know, आपका देखो क्या आपको दिख रहा है दोनों फॉर्मूला सेम है सिर्फ ये जो लास्ट वाला पोर्शन है दिस इज डिफरेंट है ना तो इस केस में इसे हम क्या कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी अगर आप पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ करते हो उनका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो तो आपका वो ये फॉर्मूला निकल कर आता है कि सैंपल मीन्स का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन किसके इक्वल होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन डिवाइडेड बाय रूट एन बट ऐसा सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में नहीं होता तो ऐसा उसको बनाने के लिए हम एक एक फ्रैक्शन साथ में और ऐड कर देते हैं विच इज फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन और वो क्या होता है कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस वन अंडर रूट और यहाँ पर कैपिटल एन क्या है पॉपुलेशन का सैंपल साइज पॉपुलेशन का साइज ठीक है एंड स्मॉल एन क्या है आपका सैंपल का साइज फाइन सो पॉपुलेशन फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन हो गया नाउ ये जो आपका फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन है इसे आप इग्नोर कर सकते हो किस केस में वेन द सैम्पल साइज इज लेस देन ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव एन वेर एन इज़ द पॉपुलेशन पॉपुलेशन साइज और यहाँ पर आपका पॉपुलेशन साइज आएगा नॉट पॉपुलेशन मीन दिस इज पॉपुलेशन साइज ठीक है तो जब आपका पॉपुलेशन uh, साइज का अगर आप 0.05 टाइम्स करते हो अगर आपका सैम्पल साइज़ उससे कम है तब आप इस फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को इग्नोर कर सकते हो सपोज़ आपका एन है 1000, ठीक है एंड तो 0.05 पॉइंट जीरो ऑफ वन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50, ठीक है तो अगर आपका सैम्पल साइज़ 50 या 50 से कम है उस केस में आप इस फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को इग्नोर कर सकते हो फाइन सो यहाँ पर हमने देखा दो केसेस में कि आप स्टैंडर्ड एयर ऑफ मीन का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हो इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड इन केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट फाइन सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड आपको टॉपिक समझ आ गए होंगे इफ येस देन डोंट फॉर गेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड येस सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज सो आई विल वी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सोन टिल देन Keep learning and thank you so much for watching!